तो आज हम लोग आए हुए हैं अफरा तफरी कैफेटेरिया, जो कि कैफे और रेस्टोरेंट दोनों है और ये पटना का काफी ज्यादा पॉपुलर रेस्टोरेंट है। तो हम लोग आज इस कैफे को एक्सप्लोर करने वाले हैं। एंड बात करें इसके इंटीरियर की, तो इसका इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ऐसा लगता है कि हम किसी और बड़े सिटी के कैफ़े में आए हुए हैं। एंड सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पे मेरे को लगी, यहाँ पे सेक्शन बटे हुए हैं। लाइक अगर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ आना है तो फ्रेंड जोन सेक्शन अलग है, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो उनका एक प्राइवेट सेक्शन है। एंड बहुत सारे लोग होते हैं जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो उनके लिए भी एक स्मोकिंग जोन है जहाँ पर आपको जाके चीज़ें कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे हैं एंड यहाँ बहुत सारा फूड ट्राई करेंगे एंड बताएंगे कि यहाँ का फूड कैसा है एंड कैसा है उसका टेस्ट। और इस वीडियो में आज मेरे साथ मेरी मम्मी हैं, तो हम लोग आज हम दोनों रिव्यू नहीं करेंगे, हमारे साथ मेरी मम्मी भी आज रिव्यू करके बताएगी कि खाना का टेस्ट कैसा है। बिकॉज हर एक रेस्टोरेंट कैफे का जो मेन चीज़ होता है वो वहाँ का खाना होता है, टेस्ट। हाँ, और टेस्ट होता है वहाँ का, तो वो भी हम लोग साथ में बताएंगे। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट इन द वीडियो। तो आपको मैं इस कैफे का एड्रेस समझा देता हूँ। ये जो कैफे है वो आपको बोरिंग कैनाल रोड में टाटा मोटर्स के जस्ट अपोजिट साइड में देखने को मिल जाएगा। एंड जो अच्छी चीज़ यहाँ पे मेरे को लगी कि हाँ, एंट्री गेट पे ही एक अंकल बैठते हैं जो बाकी सारे लोग जो आते हैं उनका टेम्परेचर का रिकॉर्ड भी रखते हैं, लोगों का हाथ सैनिटाइज करवाते हैं। तो चलते हैं अभी अफरा तफरी कैफे में एंड एक्सप्लोर करते हैं आज कैफे को। तो जैसे ही आप कैफे के अंदर एंटर करेंगे, आपको एक यहाँ पे बड़ा सा एक मिरर मिल जाएगा, तो आप यू नो बाल बाल ठीक कर सकते हो। और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैनिटाइज़र है, तो आप हैंड सैनिटाइज वापस से कर सकते हो। एंड देन आप यहाँ पे एक सेक्शन देखोगे जो कि थोड़ा सा यू नो टेरेस वाला आपको फील दिलाएगा, खाली खाली सा है। एंड यहाँ पे आपको थोड़ा प्राइवेट सा स्पेस मिल जाएगा यू नो स्मोकिंग वगैरह करने के लिए, परफेक्ट है ये वाला जगह। तो काफ़ी यू नो स्पेशियस है, यू नो गर्मी के टाइम पे थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। अभी तो ठंड है, थोड़ा सा खुला खुला सा है, तो अभी ज़्यादा ठंड लग रहा है। तो अभी चलते हैं अंदर वाले सेक्शन में, जो कि थोड़ा सा यू नो सोफ़ा वगैरह लगा हुआ है और काफ़ी कंफर्ट वाला एक सेक्शन है जहाँ पे आप कॉफ़ी वगैरह इंजॉय कर सकते हो। सो दिस इज़ द सेक्शन। सो हमारा पहला स्टार्टर हमारे टेबल पे आ गया है। हमने दो स्टार्टर्स ऑर्डर करे थे, एक था चिकन लॉलीपॉप और दूसरा था बेबी कॉर्न चिली। बेबी कॉर्न, हाँ बेबी कॉर्न चिली। तो अभी इसको टेस्ट करते हैं, बताते हैं कैसा इसका टेस्ट। एंड प्रेजेंटेशन तो काफ़ी अच्छी थी इसकी, अच्छा प्रेजेंटेशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है ना खाना में, प्रेजेंटेशन, बिकॉज अगर आपका वो अच्छा रहा तो आपको यू नो खाने का मन करेगा और आप हमेशा ऑर्डर करोगे। तो हम लोग अभी शुरू करते हैं चिकन लॉलीपॉप से। यू नो इसका जो लॉलीपॉप का जो क्रस्ट है वो काफ़ी क्रंची सा फील आ रहा है, और अंदर में जो चिकन है वो काफ़ी जूसी और बहुत टेस्टी लग रहा है, फ्लेवरफुल है ना काफ़ी ज़्यादा। जो सॉसेज यूज़ किए गए हैं इसमें, लाइक जनरली टमाटो केचप होता है और सोया केचप भी होता है, थोड़ा चिली केचप होता है, तो परफेक्ट एक बैलेंस फ्लेवर आ रहा है इसके अंदर। काफ़ी अच्छे से कोटेड है सॉस से और काफ़ी एक मज़ा करा रहा है ये। अरे मम्मी से पूछते हैं ना कैसा लगा मम्मी टेस्ट उनको। बहुत बढ़िया, लाजवाब। और अगर 10 में से रेट करना हो तो कितना दोगी? 9। मेरे हिसाब से भी 9। तो अभी ये वाला जो चिकन लॉलीपॉप है वो ख़त्म करते हैं और बेबी कॉर्न चिली है वो टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो अभी हम लोग चिकन लॉलीपॉप ट्राई किए, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। उसके बाद हम लोग अभी ट्राई करने वाले हैं स्टार्टर में बेबी कॉर्न चिली, तो उसको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं। अच्छा है टेस्ट इसका भी। यू नो स्टार्टर में हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं बेबी कॉर्न चिली या चिली हरी पोटैटो एंड ऑर्डर्स चिकन लॉलीपॉप फ्रेंच फ्राइज वगैरह। तो स्टार्टर के लिए सारा चीज़ तो बेस्ट है ऑप्शन, और टेस्ट वाइज यहाँ का आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है बेबी कॉर्न चिली।
सो ये जो चिली बेबी कॉर्न है इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी सिमिलर है चिकन जैसा, हाँ बोल सकते हैं। एंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हो और चाहते हो कि उसका भी मजा ले सको तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। हाँ एंड हमने क्या किया कि थोड़ा लेट कर दिया उसको खाने में, लाइक थोड़ा ठंडा हो गया तो थोड़ा सा च्यूई ज़्यादा है। हाँ। बाकी आप जब भी यहाँ पे आओ तो उसको गर्म गर्म ही खाना तो ज्यादा मजा आएगा, शूट करने में थोड़ा हो जाता है बट हाँ अगर गर्म गर्म खाओगे तो ज्यादा मजा आएगा। एग्जैक्टली। तो आप इसको कितना रेट देना चाहोगे श्रेया? मेरे ख्याल से 9.5 सही रहेगा। एंड आंटी आप? 10/10। 10/10। टेस्ट कैसा लगा आपको? बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लाइट था, उसका कोटिंग जो था वो बहुत ही लाइट था, इस वजह से अच्छा लगा। मैं इसको दूंगा 9 मेरे रेटिंग के हिसाब से, तो अच्छा है, जब भी आप आओ जरूर इसको ट्राई करो। तो अभी हम लोग और बाकी चीज़ें हम लोग ऑर्डर किए हैं तो जैसे ही आता है आपको टेस्ट करके बताते हैं। सो चिली बेबी कॉर्न एंड चिकन लॉलीपॉप के बाद जो हमारा तीसरा स्टार्टर आया है टेबल पे वो है यहाँ का अफरा तफरी स्पेशल कबाब, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल है। यहाँ पे बोल रहे थे कि ये वाला आप ज़रूर ट्राई करो, तो हम लोग अभी इसको ट्राई करने वाले हैं। एंड प्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो गाइज आप खुद ही देख सकते हो कि कितना अच्छा प्रेजेंटेशन है, लाइक अगर इसको यू नो प्रेजेंटेशन अगर रेट करना होगा तो 10/10 है बॉस, 10 बॉस, बहुत अच्छा है। एंड उसके साथ साथ हमने दो ड्रिंक्स ऑर्डर किए हैं, मैंने लिया है एक ओरियो शेक एंड श्रेया हैज टेकन अ ब्लू लगून मॉकटेल। मॉकटेल में ब्लू लगून है एंड नॉर्मल जो शेक है उसमें ओरियो है, और भी बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि आप अपने पसंद से ले सकते हो, किटकैट है और भी बहुत सारे हैं ऑप्शंस। तो हम लोग अपना लिए हैं फेवरेट, बट अब हम लोग शुरू करेंगे स्टार्टर से एंड टेस्ट करके आपको बताएंगे। काफ़ी नाम सुना है मैंने यहाँ का कि ये बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पर, देखते हैं ऐसा क्या है कि जो लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं इसको। और इसके साथ आपको एक चटनी मिलेगा, ग्रीन चटनी है आई थिंक, ये यू नो धनिया पत्ता और पुदीना वाला है, विल टेस्ट दैट, और सैलेड भी आपको मिलेगा, तो टेस्ट करते हैं। वाओ सच में बहुत अच्छा टेस्ट है, जो स्मोकी फ्लेवर आ रहा है ना, और ये जो मेन जो चिकन का जो कबाब है उसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हांस कर दे रहा है। एक्चुअली ये जो कबाब है ना वो स्टफ्ड है, इसके अंदर पनीर स्टफ्ड है बीच में, अगर आप देख पा रहे होगे तो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ बीच में ना पनीर स्टफ्ड है तो उसका एक अलग फ्लेवर आ रहा है इसमें, और ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं था जब मैं इसको खोल रहा था, तब भी मैंने सोचा था कि इसके अंदर कुछ होगा। अभी मैं भी टेस्ट की ना तो ऐसा कुछ पता नहीं चला, बट अगर मैं इसको खोलूँ तो यहाँ पे आपको पनीर दिखेगा और तो, पनीर का भी फ्लेवर आएगा। तो क्योंकि मैंने कभी ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया है कि चिकन के अंदर कुछ स्टफ करके एंड उसको तंदूर में डाल के पकाया जाता हो, तो काफ़ी इनोवेटिव सा ये डिश है एंड जो इसका टेस्ट है काफ़ी अच्छा है, लाइक एक बाहर ऊपर स्मोकी क्रस्ट है उसके अंदर में फिलिंग जो है वो अच्छा ही टेस्ट दे रहा है, एंड जो चिकन है वो बहुत ज़्यादा जूसी है, बहुत सॉफ्ट है। जब ये चिकन मैं तोड़ रहा था तो बहुत सारे जूसेस निकल रहे थे इसके अंदर से, तो चिकन बहुत जूसी है एंड जो टेस्ट है उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो अगर आप कभी भी आओ तो यहाँ पे मस्ट रिकमेंडेड डिश ये है। अगर आप बहुत ज़्यादा यू नो नॉन वेजिटेरियन लवर हो और अगर आप स्टार्टर में चिकन वगैरह प्रेफर करते हो तो ये जो अफरा तफरी का जो स्पेशल कबाब है वो ज़रूर आप ट्राई करें, मस्ट है, ट्राई मस्ट ट्राई है। तो स्टार्टर के बीच में हम लोग यहाँ पे ऑर्डर किए थे मॉकटेल और शेक, जो कि हम लोग अभी टेस्ट करने वाले हैं, तो ओरियो शेक अभी टेस्ट करेगा फिर देखते हैं कैसा इसका टेस्ट। शेक काफ़ी थिक सा है और जो इसका टेस्ट है वो बहुत अच्छा है, लाइक जो मिठास है चीनी की वो बैलेंस्ड है, तो ये चीज़ अच्छा लगा है। एंड चॉकलेट का कुछ चॉकलेट का जो अमाउंट है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ओरियो का कैसा फ्लेवर आ रहा है, वही तो चॉकलेट का जो अमाउंट है काफ़ी अच्छा है और उसकी वजह से जो ओरियो का टेस्ट आता है एक नंबर। तो अभी हम अपना जो मॉकटेल है वो ट्राई करेंगे तो आपको उसका टेस्ट बताते हैं। ब्लू लगून तो वैसे मेरा फेवरेट रहा है, बहुत बार हर जगह का हम ट्राई करे हैं, और यहाँ का बात करें तो यहाँ का भी बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, जो स्वीटनेस है वो भी काफ़ी अच्छा है, रिफ्रेशिंग सा अंदर में यू नो ठंड के टाइम में आइस वाला कुछ पी रहे तो और मज़ा आ रहा है। बाकी वैसे आप लोग ये मत करना ठंड के टाइम में कुछ गर्म ही पीना, ठंडा मत पीना,
इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, तो आप ब्लू लगून भी ट्राई कर सकते हो। बाकी ऑप्शंस आपके पास बहुत है, आपको जो आपका जो फेवरेट है वो ट्राई कर सकते हो यहाँ पे। तो मम्मी आपको टेस्ट कैसा लगा कॉफ़ी का? बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा शुगर कम है पर मुझे शुगर कम पीनी है इसलिए कॉफ़ी अच्छी है। सो स्टार्टर ख़त्म करने के बाद हमने मेन कोर्स में बिरयानी ऑर्डर किया है, वो भी मटन बिरयानी, क्योंकि हम स्टार्टर्स में ही हमारा फुल हो गया है पेट, तो हमने थोड़ा सा ही ऑर्डर किया मटन बिरयानी टेस्ट करने के लिए। एंड अब इसको टेस्ट करते हैं, बताते हैं। दूसरी चीज़ कि पटना में बहुत कम ऐसे आउटलेट्स हैं जहाँ बिरयानी बहुत अच्छी मिलती है, और हमने सुन रखा है यहाँ बिरयानी बहुत अच्छी मिलती है, तभी हम इसको टेस्ट करते हैं। और एक और चीज़, अगर आपको बिरयानी अच्छा खाना है तो आप राजा बाजार में एक कबाब एंड बिरयानी महल है, वहाँ पर भी आप जाकर बिरयानी सिर्फ खा सकते हो। आपका बिरयानी और कबाब बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो आप चेक कर लेना। तो ये जो बेसिकली अफरा तफरी आउटलेट है उसका ही एक और है, उन्हीं का ही, इनके जो ओनर है उनका ही आउटलेट है वो, तो आप वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो। वहाँ का भी बिरयानी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, हम लोग बहुत बार खाए हैं, तो हम अपना ओपिनियन बता रहे हैं बहुत अच्छा है। तो हम लोग यहाँ का टेस्ट करते हैं, बताते हैं कैसा है टेस्ट। बिरयानी का बाइट लेते ही गरम मसालों का एक अच्छा फ्लेवर आ रहा है, लाइक कार्डमम, आपको सिनेमन स्टिक हो गया, उसका अच्छा फ्लेवर आ रहा है, स्टार एनीस, ये सारी चीज़ें अच्छी अच्छे तरीके से बैलेंस की है बिरयानी के साथ। और बिरयानी का सबसे मेन चीज़ होता है उसका मसाला, कि बिरयानी में कितना क्वांटिटी है मसाला का, कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर पावर कर देता है मसाला, लेकिन इसमें वो बात नहीं, मतलब इसमें जो मसाला का जो बैलेंस बोल सकते हो ना, वो बहुत प्रॉपर तरीके से है, एंड टेस्ट वाइज बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा टेस्टी है बिरयानी। एंड अगर रेट करना हो 10 में से तो मेरे हिसाब से आई थिंक 9, मेरे हिसाब से भी 9। सो हमने अपना स्टार्टर और मेन कोर्स बहुत इंजॉय किया यहाँ पे, क्योंकि सबका जो टेस्ट था बहुत ही अच्छा था। और अभी हम डेजर्ट में ये फिरनी ट्राई करने वाले हैं। एक्चुअली श्रेया को ज़्यादा डेजर्ट पसंद नहीं है मीठा खाना, तो मेरे को ही ट्राई करना पड़ेगा, और मेरे को वैसे बहुत पसंद है, तो मैं इसको ट्राई करके बताता हूँ कैसा है इसका टेस्ट। काफ़ी क्रीमी सा है जो फिरनी है, काफ़ी क्रीमी है और रबड़ी भी मिला हुआ है ऐसा लग रहा है टेस्ट, तो काफ़ी एकदम मिल्की मिल्की सा क्रीमी सा टेक्सचर है, और जो टेस्ट है काफ़ी अच्छा है, लाइक जो स्वीटनेस है शुगर का वो बिल्कुल बैलेंस्ड है, ज़्यादा मीठा नहीं लग रहा। इससे क्या होता है कि बहुत डेजर्ट ऐसे होते हैं जिसमें मीठा ज़्यादा होता है तो मन भर जाता है, लेकिन ये परफेक्टली बैलेंस्ड है और ये इसकी सबसे अच्छी चीज़ है। बाकी अभी मैं इसको ख़त्म करता हूँ एंड फिर आपको बताते हैं लास्ट में ये कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस। How's the taste? अच्छा। So overall हमारा experience बहुत अच्छा रहा यहाँ पे, and thank you sir, आप लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से हमें treat किया। Service जो था यहाँ का काफ़ी अच्छा था, ये लोग proper mask और you know headgear में हैं, और sanitizer, मतलब जो COVID को देखते हुए काफ़ी अच्छा ये लोग का है response, और ये लोग का service बहुत अच्छा है, हम लोग के साथ बहुत ही अच्छे से, सिर्फ हम लोग के साथ ही नहीं बाकी जितने भी customers यहाँ पे आते हैं सारे लोग के साथ बहुत अच्छा well behave करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग बहुत बार आए हैं, काफ़ी अच्छा इनका रहता है। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों का सर्विस बहुत अच्छा था। सो आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं, एंड अगर आपका कभी भी चक्कर लगे बोइंग रोड का तो जरूर आप यहाँ पे आना अफरा तफरी कैफे, एंड जो इंटीरियर से लेके खाने से, खाने का टेस्ट से लेके सब कुछ बहुत अच्छा था। एंड मेरा पर्सनल जो सजेशन आपके लिए रहेगा कि जब भी आप यहाँ पे आओ और खाना खाओ लास्ट में ज़रूर फिरनी ट्राई करना, वो मस्ट ट्राई चीज़ है, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ सच में फिरने का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, सिंस मैं बहुत ज़्यादा स्वीट पर्सन नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं पसंद मीठा, बट एट लास्ट जब फिरनी ट्राई किए टेस्ट किए बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट था, तो आप डेफिनेटली अगर आप स्वीट पर्सन नहीं हो तो भी आप ये ट्राई कर सकते हो, टेस्ट वाइज बहुत ही अच्छा था।
जितना भी प्राइस होगा सारे डिशेस का जो जो हमने ट्राई किया है सारा कुछ आपको यू नो स्क्रीन के नीचे आपको मिलेगा, तो आप वहाँ से हाँ। और अगर प्राइस की बात करें तो मैं ये भी नहीं बोल सकती कि बहुत ज़्यादा सस्ता है, ये भी नहीं बोल सकती कि बहुत ज़्यादा महंगा है। जो टेस्ट था उसके हिसाब से जो प्राइस है वो परफेक्ट है, उतना होना चाहिए। और बाकी हम लोग काफ़ी इन्जॉय किए यहाँ का, सारा कुछ हमें बहुत अच्छा लगा, सर्विस से लेकर टेस्ट से लेकर प्राइसिंग एंड ऑल सारा कुछ, एम्बियंस हाँ सारा कुछ बहुत अच्छा था। तो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल। एंड इस वीडियो में मेरी मम्मी को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मेरी मम्मी आज हमारा साथ दी, फर्स्ट वीडियो था मम्मी के साथ, हमें बहुत मज़ा आया। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन बाय।